बुद्ध कितने सरल दिखते हैं, तन पर एकमात्र वस्त्र, हाथ में एकमात्र भिक्षा पात्र, पर ऐसी क्या बात थी उनमें कि आज असंख्य लोग उनकी वंदना करते हैं, असंख्य लोग उनके पद का अभ्यास करते हैं। ऐसी क्या बात थी उनमें कि बिंबिसार अजातशत्रु प्रसन्नजीत जैसे महान सम्राट बुद्ध के शरण में गए। ऐसी क्या बात थी उनमें कि विश्व के एकमात्र चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए। ऐसी क्या बात थी उनमें कि बुद्ध काल में 61 दर्शन बुद्ध से सम्मत हो गए। ऐसी क्या बात थी उनमें कि चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक और अन्य राजाओं के प्रचार से श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, चीन, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, ग्रीक, कोरिया, म्यांमार, जापान जैसे कई देश बुद्ध हो गए। ऐसी क्या बात थी उनमें कि भारत के राष्ट्रपति भवन में एकमात्र ऐतिहासिक गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाना उचित समझा। ऐसी क्या बात थी उनमें कि भारत ने भारतीय ध्वज में धम्मचक्र को विशेष स्थान दिया। ऐसी क्या बात थी उनमें कि नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरा, सिरपुर जैसे महान विश्वविद्यालय उनके ज्ञान की नींव पर बने। मित्रों, कारण यह है कि बुद्ध उसे कहते हैं जो पूर्णता जाग गया हो, जिसकी तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या खत्म हो गई हो, जो पूर्णता मुक्त हो, जिसके सारे संभ्रम शंकाएं खत्म हो गई हो, अर्थात जो किसी फूल के खिलने को भी उसी प्रकार देखता है जैसे किसी बच्चे के जन्म को, और जो किसी पत्ते के झड़ने को भी वैसे ही देखता है जैसे अपनी माता के मृत्यु को, जो सुंदर असुंदर को एक सा देखता हो, जो पूर्णतः संतुलित भावना में आ गया हो, जिसकी करुणा सभी जीव निर्जीव के लिए बराबर हो। सरल शब्द में कहा जाए, उनने सत्य को कड़वा नहीं बल्कि मीठा बताया। उन्होंने ये बताया कि संसार दुख और पीड़ा से भरा पड़ा है, पर यह भी बताया कि इस दुख पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने ये तो बताया कि कैसे दो भाइयों के बीच सुलह की जाए, और यह भी बताया कैसे दो देशों के बीच सुलह की जाए। उन्होंने एक गरीब का भी दुख समझा और एक अमीर का भी। उनका मार्ग सभी अंतर को खत्म करने वाला है। उनका मार्ग दुख मुक्ति का है, शांति का है, इसलिए आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध दर्शन अनुभूति पर टिका हुआ है, जिसे बुद्ध कलाम सूत्र कहते हैं। बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वो किसी पवित्र पुस्तक में लिखी है, ना ही इसलिए कि उसे बहुत लोग मानते हैं, ना ही इसलिए कि उसे कोई गुरु कह रहे हैं, ना ही इसलिए कि स्वयं बुद्ध उसे कह रहे हैं, बल्कि बुद्ध कहते हैं उस बात को स्वयं जांचो, उसका अनुभव करो, और जब स्वयं के लिए और संसार के लिए प्रासंगिक हो तो ही उसे मानो। यही बुद्ध का सूत्र बुद्धिज्म को अन्य धर्मों से एवं सांप्रदायिकों से अलग ऊंचाई प्रदान करता है और उसे विज्ञान से जोड़ देता है, और इसी आधार से बुद्ध को वैज्ञानिक भी कहा जाता है। मित्रों, वर्तमान में धरती द्वेष से जल रही है, इसे युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं तुम स्वयं के शरण में जाना, किसी और की नहीं। अत्यदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।